नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में शराबबंदी कानून के संशोधन को लेकर। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। इसकी वजह से बिहार प्रोविजन एक्ट, एक्साइज एक्सेसमेंट एक्ट 2022 लाने की तैयारी पूरी हो गई है। कुल 13 पॉइंट पे बड़े बदलाव किए जाने हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार शराब पीते पकड़े जाने पर पुलिस या फिर मद्य निषेध विभाग के अधिकारी ऑन द स्पॉट फैसले लेकर छोड़ सकेंगे, लेकिन रिपीटेड जुर्म करने वालों को भी जेल भेजे जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि आप एक बार इसी मामले में पकड़े गए हों और उसके बाद दोबारा जब आपकी फिर से गिरफ्तारी होती है तो ऐसे मामले में जो है आपको जेल भेजे जाने की बात कही गई है। शराब से संबंधित सामान्य मामले में राहत देने की बात पर विचार चल रहा है। शराब के धंधे में पकड़े गए वाहन जब्ती के बाद पेनल्टी लेकर छोड़ने का भी प्रावधान जो है इस संशोधन के तहत लाने की बात कही गई है। वहीं शराब से संबंधित मामलों के जल्द निपटारे के लिए जिलों में न्यायालय की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर उसे गृह विधि विभाग के पास भेजा गया है। संभावना है कि चंद दिनों के अंदर ही होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह नए प्रस्ताव रखा जाएगा और फिर उसे पास कर दिया भी जाएगा। ये जो है अब तक अटकलें मीडिया में लगाई जा रही है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिहार में शराबबंदी कानून और उसकी वजह से कोर्ट में बढ़ते केसों के दबाव को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नए प्रस्ताव को मद्य निषेध के अपर मुख्य सचिव के पाठक की निगरानी में तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिन पहले ही के पाठक को मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। तब जो है बिहार में शराब के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई और उसमें कई लोगों की जान गई थी। उसके तुरंत बाद ही जो है के पाठक को इस विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया था। नए प्रस्ताव में नॉन कंपोनेबल एक्ट को हटा दिया गया। इसका मतलब साफ है कि शराब पीकर नशे में पकड़े जाने वाले लोग अब कंपोनेबल ऑफेंस के तहत आएंगे। इससे सरकार की तरफ से तय किए जाने वाले जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया जाएगा। इस तरह के मामलों में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देखेंगे, यानी कि इस तरह के जितने मामले आएंगे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। इस बदलाव से बिहार के कोर्ट में शराब से जुड़े केसों की संख्या में कमी आएगी। साथ ही साथ शराब के मामलों में पकड़ी जाने वाली गाड़ियों को भी अब जुर्माना वसूल कर छोड़ा जा सकता है। वहीं अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वाले सिंडिकेट चलाने वाले माफिया पर अब और सख्ती बरती जाएगी। उनकी संपत्ति को भी जब्त की जाएगी। माफिया को किसी भी हाल में सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में अब कह लें कि बिहार सरकार जो है अब बड़ी मछलियों को पकड़ने के मूड में है। शराब में संशोधन करने की बात जो है वह कही जा रही है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो शराब पीकर पकड़े जाएंगे उसे जो है पैसे लेकर, यानी कि एक जो जुर्माना राशि होगा उसे लेकर छोड़ने की बात कही गई। लेकिन जो शराब का बड़ा सिंडिकेट चलाते हैं, जो बड़े माफिया हैं, उनके ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई करने को लेकर बिहार सरकार काम कर सकती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। तो वहीं विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी में है। इसी बीच सत्ताधारी जदयू के पूर्व विधायक रहे नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले श्याम बहादुर सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें शराबबंदी को लेकर उन्होंने जो कहा है वो सीएम नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों ही शराबबंदी कानून को लेकर लगातार हमलावर है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।